Assalamualaikum students, welcome to the lecture number 18 of the course statistics and probability. आज हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने इवेंट्स को डिस्कस किया था. सैम्पल स्पेस का सबसेट इवेंट कहलाता है. आज हम इवेंट्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे. इवेंट्स की तीन टाइप्स हैं. नंबर वन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. नंबर टू, एग्जॉस्टिव इवेंट्स. एंड नंबर थ्री, इक्वली लाइकली इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दो इवेंट्स अगर साथ अकर ना हो तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएंगे. टू इवेंट्स ए एंड बी ऑफ अ सिंगल एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आर डिसजॉइंट इफ एंड ओनली इफ दे कैन नॉट बोथ अकर एट द सेम टाइम. इसका मतलब हुआ उनमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता. जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, अब या तो हेड आएगा या फिर टेल, लेकिन एक वक्त में दोनों साथ साथ नहीं आ सकते, तो फिर हेड और टेल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हुए. इसी तरह हमने डाई को रोल किया, अब या तो इवन नंबर्स आएंगे या फिर ऑड नंबर्स, तो फिर इवन और ऑड नंबर्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हुए. इसी तरह एक स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में या तो फेल होगा या पास, या फिर कोई शख्स टीन एजर है या फिर वो टीन एजर नहीं. ऐसे इवेंट्स जो एक ही वक्त में साथ साथ अक्कर हों वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होंगे. जैसे डेक में किंग और डायमंड साथ साथ आ सकते हैं, इसीलिए ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है. डेक प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स में ख़ास अहमियत रखती है. इस गेम में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जो 4 सूट्स में अरेंज होते हैं. एक हाइट जो 13 कार्ड्स होंगे टोटल, दूसरा डायमंड वो भी टोटल 13 होते हैं, फिर क्लब वो भी टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, और फिर स्पेड वो भी टोटल 13 होते हैं. तो इन 4 को मिला के टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हुए. अब यहाँ पे हर्ट और डायमंड्स रेड होते हैं, तो फिर हर्ट भी 13 है और डायमंड भी 13, तो टोटल रेड जो कार्ड्स हुए वो 26 हैं. और नेक्स्ट टू क्लब्स और स्पेड ब्लैक होते हैं, तो फिर टोटल ब्लैक कार्ड्स 26 हुए. और फेस वैल्यूज़ मतलब 2, 3, 2, 10, जैक, क्वीन, किंग, इनको डिनोमिनेशन कहते हैं. इनको आपने याद रखना है, आगे प्रोबेबिलिटी में ये तकरीबन हर प्रॉब्लम में इस्तेमाल होंगे. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बाद नेक्स्ट इवेंट की टाइप है एग्जॉस्टिव इवेंट. एग्जॉस्टिव इवेंट, इवेंट्स आर सेड टू बी कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव व्हेन द यूनियन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इज इक्वल टू द इंटायर सैम्पल स्पेस एस. जैसे हमने कॉइन का एक्सपेरिमेंट किया तो हेड और टॉस का यूनियन एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएगा. इसी तरह एक डाई के इवन और ऑड नंबर का यूनियन एग्जॉस्टिव इवेंट होगा. पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस, रेंडम एक्सपेरिमेंट की तमाम पॉसिबल आउटकम्स सैम्पल स्पेस कहलाती हैं. जैसे कॉइन से हेड और टेल ही आ सकते हैं, तो हेड और टेल सैम्पल स्पेस हुए. सैम्पल स्पेस की पार्टीशन का मतलब है उसे पार्ट्स में डिवाइड करना, तो फिर अ ग्रुप ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स बिलोंगिंग टू अ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड अ पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस. मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए हैं, तो फिर ए बार मतलब ए कम्प्लीमेंट एग्जॉस्टिव इवेंट हुए, और इनका यूनियन पूरा सैम्पल स्पेस होगा, जिसे ये डायग्राम से हमें दिखाया गया है. ये एक वेन डायग्राम है और शेडेड एरिया यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टीशन को. इक्वली लाइकली इवेंट, टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वली लाइकली व्हेन वन इवेंट इज एज लाइकली टू अकर एज द अदर. इसका मतलब ये हुआ कि दो इवेंट्स जो इक्वली तादाद में अकर हों वो इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे. जैसे हमने कॉइन टॉस किया तो हेड और टेल दो ही इवेंट हैं और दोनों ही एक प्रोपोर्शन से आ सकते हैं.
मतलब दोनों में से कोई एक आएगा, वो हेड भी हो सकता है और वो टेल भी, तो इनकी रेशियो या प्रोपोर्शन हुई 1/2। इसी तरह डेक में हर कार्ड 1/52 प्रोपोर्शन से आ सकता है, मतलब 52 कार्ड में हर एक जो है वो सेम पॉसिबिलिटी रखता है कि वो आ सकता है, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट हुए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, मतलब इम्कान या चांस। अब प्रोबेबिलिटी को दो तरीकों से डिफाइन किया जाता है, एक है सब्जेक्टिव अप्रोच और दूसरी है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी मतलब जो पर्सनल हो, सब्जेक्टिव आर पर्सनैलिटी प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन्स बिलीव रिगार्डिंग द अक्रेंस ऑफ एन इवेंट ए। जैसे तीन जजेस का पैनल है, अब तीन जजेस अपनी ज़ाती राय पे एविडेंस को कंक्लूड करेंगे। मिसाल के तौर पर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं छतरी नहीं लेकर जाता क्योंकि सूरज निकला हुआ है तो इम्कान है बारिश नहीं होगी। इसे सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कहते हैं जो ज़ाती राय पर मबनी होती है और इसमें हर शख्स अलग से रिज़ल्ट निकाल रहा होता है, जबकि ऑब्जेक्टिव अप्रोच में सबका कंक्लूजन एक सेम एक्सपेरिमेंट के लिए सेम होता है। सो ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी रिलेट्स टू दो सिचुएशन वेयर एवरीवन विल अराइव एट द सेम कंक्लूजन्स। ऑब्जेक्टिव अप्रोच को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर वन, द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। If a random experiment can produce n mutually exclusive and equally likely outcomes, and if m out of these outcomes are considered favorable to the occurrence of a certain event A, then probability of the event A denoted by P of A is defined as the ratio m divided by n. फर्स्ट पॉइंट, एक रेंडम एक्सपेरिमेंट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब वो इवेंट जो साथ साथ अकर ना हो, और इक्वली लाइकली इवेंट मतलब हर इवेंट की जो रेशियो है कि वो अकर हो सकता है वो सेम हो, तो फिर इवेंट ए का चांस या इम्कान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की इक्वल होता है। इसका फॉर्मूला है एम डिवाइडेड बाई एन। एम वो रिजल्ट जो हम चाहते हैं और एन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। ये PS लैपलेस डेफिनेशन है जिसको इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। मिसाल के तौर पर डेक में टोटल 52 कार्ड्स हैं, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रेड कार्ड ही आए, तो सबसे पहले स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को देखें कि म्यूचुअली यहाँ पे एक्सक्लूसिव इवेंट हैं और इक्वली लाइकली, तो आप देख सकते हैं डेक में टोटल 52 कार्ड्स हैं, उनमें से कोई एक ही आएगा, तो ये फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया। सेकंड, हर पॉइंट की जो पॉसिबिलिटी है आने की वो सबके साथ सेम है, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। डेक में रेड कार्ड्स मतलब डायमंड और हर्ट होते हैं, तो ये टोटल 13 + 13 = 26 हुए, तो फिर एन टोटल आउटकम्स 52 हैं और फेवरेबल मतलब हमारे रेड कार्ड जो हम चाहते हैं वो 26 हैं, तो m इज इक्वल टू 26 हुआ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n इक्वल टू 26 डिवाइड बाय 52 इक्वल टू 1/2। अगर हम इसकी जो है वो परसेंटेज निकालें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट और इक्वल आएगा 50%, मतलब 50% चांस है कि रेड कार्ड ही आएंगे। सेकेंड, हम चाहते हैं वो कार्ड ड्रा हों जिन पर 10 नंबर हो, तो फिर यहाँ 10 नंबर वाली कार्ड्स टोटल 4 हैं, तो फिर m इज़ इक्वल टू 4 हुआ और n इज़ इक्वल टू 52 हुआ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज़ इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n 4/52 इक्वल टू 1/13। अगर अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 7.6%। सेकेंड एग्जाम्पल है, एक कॉइन को हमने 3 times टॉस किया, अब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास कम से कम एक बार हेड आए। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन कि इक्वली लाइकली इवेंट है, तो हाँ कॉइन में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा और दोनों की प्रोपोर्शन सेम है। अब सबसे पहले सैंपल स्पेस देखते हैं, 3 times कॉइन टॉस हुआ, तो अब कॉइन में जो सैंपल स्पेस होता है वो तो हेड टेल होता है, अब 3 times हुआ तो a क्रॉस a मतलब 3 times हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे स्टूडेंट और सैंपल स्पेस आएगा हेड 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 टेल
हेड टेल हेड और इस तरह ये आ जाएंगे। अब आप देखें जो टोटल आउटकम्स हैं इनको काउंट करें तो ये 8 हैं और इनमें एटलीस्ट वन टाइम जब हेड आ रहा है वो टोटल 7 हैं। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ ए फेवरेबल आउटकम और एन ऑफ एस जो टोटल आउटकम है, तो ये 7 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू, अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करें, 87.5% आंसर आया है कि इतना चांस है कि हमारे पास एटलीस्ट वन टाइम हेड ही आएगा। अब एक और एग्जांपल है कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें 12 आइटम्स हैं और 4 निकालने हैं और वो बॉक्स तभी हमारे पास एक्सेप्ट होगा कि उसमें एक फॉल्टी आइटम आए या कोई भी फॉल्टी आइटम ना आए और वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर एक से ज़्यादा फॉल्टी आइटम्स हुए और उसमें से 3 फॉल्टी आइटम्स पड़े हुए हैं। अब रेंडमली वहाँ से निकालना है तो इंस्पेक्टर कोई भी निकाल सकता है। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी को हम कैसे चेक करें कि हमारा जो बॉक्स है वो एक्सेप्ट ही हो, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम सैम्पल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो वो टोटल फाइंड करने के लिए कि हमारे बॉक्स में टोटल कितने वेज हैं कि यहाँ से जो आइटम्स हों वो पिक हो सकते हैं, तो उसके लिए हम कंबाइनेशन लगाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ वेज को फाइंड करने के लिए परम्यूटेशन और कंबाइनेशन है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जब आप रेंडमली कोई चीज़ पिक करते हैं तो उसके नंबर ऑफ वेज को फाइंड करने के लिए हम कंबाइनेशन लगाते हैं। अब टोटल आइटम 12 हैं और जो हमने सेलेक्ट करने हैं वो 4 हैं, तो n इज़ इक्वल टू 12, r इज़ इक्वल टू 4, तो 12C4 इज़ इक्वल टू 495 आया है कि टोटल आउटकम्स यहाँ पे हमारे पास 495 हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ये बॉक्स है ये सिलेक्ट हो जाए, ये एक्सेप्ट हो जाए, तो फिर यहाँ पे जो टोटल हमारे पास नंबर्स मतलब वेज हैं वो फाइंड करने के लिए कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि ये सिलेक्ट ही होगा, तो उसको अब हम फाइंड करते हैं। स्टूडेंट अगर 3 आइटम्स ख़राब हैं तो 12 में से 9 आइटम सही हुए और 3 ख़राब हुए। अब एक फॉल्टी आइटम पिक ना हुआ तो हमारा बॉक्स एक्सेप्ट हो जाएगा, तो फिर 3 में से 0 पिक होना चाहिए तो 3C0 निकालेंगे और फिर 9 में से अगर 4 पिक हो जाए तो सही तब भी सिलेक्ट हो सकता है, तो 9C4, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मिड में स्टूडेंट प्लस है, फिर हमारे पास फिर फॉल्टी आइटम्स जो हैं वो 3 हैं, उनमें से अगर एक आइटम पिक हो जाए तो तब भी तो हमारा एक्सेप्ट हो सकता है बॉक्स, ठीक है। इसी तरह पे 9 सही में से 3 पिक हो जाएं, तो इस तरह 4 जो है वो आइटम्स पिक होंगे और हमारा बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। तो इनको अब हमने कंबाइनेशन को कलेक्ट किया है, ठीक है, कैलकुलेट करके 378 आंसर आया है। अब हम अपनी प्रॉबिलिटी निकालते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ जो टोटल आउटकम्स हैं वो 495 हैं, फेवरेबल 378 हैं, आंसर आया है 0.76, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें 76% चांस है कि हमारा बॉक्स एक्सेप्ट होगा। अब इस प्रोबेबिलिटी की जो क्लासिकल डेफिनेशन है इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। नंबर 1, इसमें सर्कुलर रीजनिंग है, मतलब तमाम जो आइटम्स हैं वो इक्वली लाइकली हैं, मतलब तमाम की प्रोपोर्शन सेम है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि जो एक चीज़ आ रही है इतनी ही दूसरे की भी प्रोबेबिलिटी है कि वो आएगी, मतलब प्रोबेबिलिटी में अंदर ही हम प्रोबेबिलिटी चांस की बात कर रहे हैं, इसको सर्कुलर रीजनिंग कहते हैं। सेकेंड, अब स्टूडेंट हमारे पास कुछ ऐसे भी हैं कि हम जो टोटल आउटकम्स हैं वो इनफाइनाइट हो, तो यहाँ पे आप n इज़ इक्वल टू इनफाइनाइट या इन्फिनिटी नहीं पुट कर सकते। थर्ड, अगर आपके पास कोई ऐसा इवेंट आ जाए जिसमें प्रोपोर्शन सेम अकर ना हो, मतलब वो इक्वली लाइकली ना हो, तो ये डेफिनेशन वहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकती। वहाँ पे फिर सेकंड डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।